हाय फ्रेंड्स, जीआरएफ या नेट जीआरएफ का हम सिलेबस देख रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, एक महीना टाइम। एक महीना के अंदर कैसे तैयारी करें कि हम जीआरएफ निकाल सकें? इसका एक ही तरीका है कि हम पेपर वन को फोकस करें, क्योंकि पेपर टू तो हमारा अपना सब्जेक्ट है, वो तो हम पीजी का एग्जाम में या फिर एमए का फाइनल एग्जाम में हम कर चुके हैं, उसको पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं है। पेपर वन को केवल फोकस कीजिए इस एक महीना के दौरान, पेपर टू को केवल हल्का हल्का रीडिंग कीजिए, कम से कम एक रीडिंग कीजिए, लेकिन पेपर वन को पूरा महीना फोकस कीजिए, निश्चित आप जेआरएफ निकालिएगा। इसके लिए हम लोग पेपर वन में 10 यूनिट्स है, पेपर टू में 10 यूनिट्स है। पेपर वन का जो 10 यूनिट्स है उसको पर डे कम से कम 2 घंटा दीजिए, बहुत जरूरी है। ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। इसके लिए हम लोग 2 घंटा, अधिक से अधिक जितना आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटा निश्चित दीजिए पेपर वन को प्रतिदिन। कहने का मतलब 30 दिन का आपका 60 घंटा निश्चित आप जेआरएफ निकाल लीजिएगा, क्योंकि इजी है, बहुत इजी है, बस एक ट्राई करना है। अब जेआरएफ रखा हुआ है आपके लिए, यही हम चाह रहे थे, कुछ हेल्प कर दें। तो हमारा पेपर वन का, टीआरएफ पेपर वन का यूनिट वन में टीचिंग क्वालिफिकेशन। टीचिंग क्वालिफिकेशन कोई भारी चीज नहीं है, उसको अपना भी हम लोग कॉमन सेंस की तरह यूज कर सकते हैं। शिक्षण योग्यता, शिक्षा के स्तर, उद्देश्य, विशेषताएं, छात्रों की विशेषताएं, किशोरों और वयस्क छात्रों के लक्षण, व्यक्तिगत अंतर, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण सुविधाएं, सीखने का माहौल, प्रभावित करने वाले कारक, उच्च शिक्षण संस्थान। इसमें निश्चित क्वेश्चन उतारेगा, उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई इसके बारे में देगा, शिक्षण सहायता प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, तत्व और प्रकार। इनमें से 5 क्वेश्चन देगा, यूनिट वन से सिर्फ 5 क्वेश्चन। इसके लिए आपको इतना कवर करना पड़ेगा, केवल इंपॉर्टेंट वाला लिखे। इसमें यूनिट टू में रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च का अर्थ, लक्षण, तरीके, थेसिस और आर्टिकल राइटिंग्स, इसमें से 5 क्वेश्चन उतारेगा, इसको भी एक रीडिंग काफी है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, दिए हुए पैसेज से संबंधित सवाल, एक छोटा सा पैसेज रहेगा, उसे 5 क्वेश्चन उतारेगा, ये निश्चित है 5 मार्क्स अटेंड कर लीजिएगा। यूनिट फोर में है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए संचार के अर्थ, प्रकार और विशेषताएं और प्रभावी संचार, इसमें से 5 क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग के प्रकार, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज कोड, अंश, समय दूरी, अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज, छूट आदि, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन। इसके लिए आपको सारे को कवर करना पड़ेगा, कम से कम एक एक प्रैक्टिस सबको कर लेना है। इसी तरह से हम लोग का आगे जाता है यूनिट 6 में है लॉजिकल रीजनिंग, आर्गुमेंट की संरचना को समझना, वेन डायग्राम, ये बहुत आसान है, शब्दों की व्याख्या, मूल्यांकन आदि, इसमें से 5 क्वेश्चन निश्चित उतारेगा। यूनिट 7 में है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा के स्रोत, अधिग्रहण और वर्गीकरण, मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा, इसमें बहुत सारे चार्ट रहेंगे, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट आदि रहेगा, इसको समझना भी आसान है, केवल एक प्रैक्टिस काफी है, इसमें से 5 क्वेश्चन उतारेगा। यूनिट 8 में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ICT, वही है हिंदी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें पढ़ना पड़ेगा सामान्य दृष्टिकोण, इंटरनेट की मूल बातें, इंट्रानेट की मूल बातें, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंट है, इंटरनेट सबके लिए रहता है जबकि इंट्रानेट केवल पर्टिकुलर कंपनी के लिए रहता है, और ये इसमें प्रिवेंटेशन रहता है, इंटरनेट में नहीं रहता है। ईमेल और ऑडियो और वीडियो, उच्च शिक्षा में पहल, और हो गया ICT और शासन आदि, इनमें से 5 क्वेश्चन आएगा। यूनिट 9 में जाएंगे सिविल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यू, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट आदि,
ये हो जाएगा इसमें, मतलब प्रदूषण, सारे प्रकार के प्रदूषण इसमें से 5 क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 10 में है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे और कब उनकी स्थापना हुई, किन के द्वारा हुई, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये 5 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 का केवल 10 यूनिट्स है, उसी तरह पेपर 2 का 10 यूनिट्स। ईमानदारी पूर्वक कम से कम 2-2 घंटा पढ़ाई कीजिए, निश्चित GRF निकाल लीजिए। जब फॉर्म फिलअप जब भी करते हैं तो याद रखिएगा इसमें नेट के साथ GRF लिखा रहता है, उसी को फिल करना है ताकि आपका क्वालिफाई हो तो नेट के साथ साथ GRF भी मिले। बस यही आप लोग को ध्यान देना है। और थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, बस आप ईमानदारी से हेल्प लीजिए और GRF स्कोर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि 1 महीने के अंदर GRF के लिए कैसे तैयारी करें। ये पेपर 2 है, पेपर 1 को हम देख चुके हैं, 1 महीने के अंदर हमें कैसे तैयारी करना। पेपर 2 समय हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए जितना भी बुक्स है इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान ये देना है कि क्या को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को हम लोग को कैप्चर करना है। हम लोग के पास टाइम की कमी के कारण हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और ये पहला हो जाएगा हम लोग का, पेपर 2 का पहला हो जाएगा जनरल एंथोलॉजी, जिसको सामान्य जाति विज्ञान कहते हैं। आपके पास बुक नहीं है, बहुत सारे राइटर्स के बुक मिलते हैं मार्केट में, लेकिन हम अगला वीडियो में बतला देंगे कि कौन सा राइटर का बेस्ट रहेगा। इसमें सामान्य जाति विज्ञान में देखेंगे परिभाषा स्वरूप, इसको केवल हल्का से एक बार देख लेना, इससे उतना क्वेश्चन उतारता नहीं है। और उद्देश्य, उद्देश्य जाति विज्ञान का उद्देश्य, मुख्य शाखाएं, तो जाति विज्ञान की मुख्य शाखाएं, फिर उपयोगिता, फिर अध्ययन क्षेत्र, सब कुछ जाति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र देखना पड़ेगा। व्यवस्थाएं और विकास, विकास और प्रभाव, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, विकास और प्रभाव से देख लेना है। यूनिट 2 में है सामान्य भाषा विज्ञान, इसमें भी केवल एक बार पढ़ना है, इसी से आपका काफी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका परिभाषा, सामान्य भाषा विज्ञान का परिभाषा, उसका क्षेत्र, प्रकार, विभाग और सिद्धांत। सिद्धांत को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उतारता है। विकास, उपयोगिता, परिवर्तन के कारण, भाषा विज्ञान में परिवर्तन के कारण ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर लगातार क्वेश्चन उतार रहा है। विभिन्न रूप, वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर यूनिट 2 में, ध्वनि विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन उतारता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लीजिएगा। रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, यहाँ पे है वाक्य विज्ञान, इसको भी 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन उतारेगा, तो सारा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। लिपि विज्ञान और कोश विज्ञान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लिपि विज्ञान और कोश विज्ञान। यूनिट 3 में देख रहे हैं इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर बहुतों के पास बुक नहीं है, इसीलिए जब हम क्लास लेंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा स्पष्ट तौर पर, ये बहुत कम मिलता है, ये पुस्तक ही नहीं मिलता है मार्केट में, अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए जब क्लास लेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका परिचय, वेद जो आप लोग को लिखाया गया, यदि क्लास नहीं हुआ है तो वेद आप लोग गूगल से कहीं से भी ढूंढ करके देख लीजिएगा, वेद आता ही आता है। पुराण के बारे देख लीजिएगा, उपनिषद के बारे, उपनिषद से, और महाकाव्य, महाभारत, साहित्य में जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बंगला साहित्य, उड़िया साहित्य, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, सारी साहित्य को एक एक बार कम से कम पढ़ लेना है। और यूनिट 4 में है तुम्हारा थ्योरी ऑफ लिटरेचर, ये साहित्य सिद्धांत है, अगर इसका बुक नहीं है तो इसका जो हम क्लास लेंगे उसमें ध्यान से देखिएगा। परिभाषा, विशेषताएं, हेतु, प्रयोजन, प्रयोजन से कुछ क्वेश्चन उतारता है, लगातार 2-3 साल से दिया था। रूप, विधाएं, गीत, यहाँ से मुख्य मुख्य आ जाता है, गीत, काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि ये काव्य है या खंड काव्य है या महाकाव्य है, इसको बतलाइए, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि गीत क्या है, काव्य क्या है, खंड काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य, और सारे का उदाहरण देख लीजिएगा, सबका एक एक या 2-2 उदाहरण देख लीजिएगा। कहानी, नाटक, इससे भी क्वेश्चन उतारता है, कहानी और नाटक, उपन्यास, उपन्यास के साथ साथ लेखक बहुत मायने रखता है, लेखक, निबंध,
एकांकी, एकांकी और नाटक में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकांकी और नाटक, डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, और आलोचना, आलोचना कौन सा लेखक किया है उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेपर टू में आता ही आता है, हर बार आ रहा है ये, चाहे जुलाई का एग्जाम हो या दिसंबर का एग्जाम हो, इम्पोर्टेंट ये भारतीय काव्य शास्त्र, ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी काव्य शास्त्र करके जो आएगा, किसी भी राइटर का आप ले लीजिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसे क्वेश्चन उतारता है, एक एक चैप्टर इसका इम्पोर्टेंट है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ, रस, हर प्रकार का रस, ये हो गया काव्य गुण, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना होगा। काव्य दोष, अलंकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलंकार आना ही आना है, ये हो गया काव्य गुण और अलंकार, आता ही आता है, अलंकार के ही रूप हो जाएंगे यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये सब, श्लेष, विपसा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, सारे के सारे अलंकार से अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ देख लीजिएगा। ये भी आपका कम से कम 2 दिन का जाएगा पूरा का पूरा। अगला जाते हैं यूनिट 5 में, फोक लिटरेचर ऑफ TRL। इसमें बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने PG में जो क्लास कराया गया है या नेट के लिए ये बुक मिलता है 1-2, उसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, हम जो क्लास लेंगे उसमें हम शॉर्ट करेंगे, बहुत शॉर्ट, उसको आप देख लीजिएगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य, इसमें आप लोग जो सिलेबस दिया हुआ रहता है MA का, जो सिलेबस बुक का सिलेबस दिया हुआ रहता है, उसमें राइटर और बुक का नाम, राइटर और बुक का नाम रहता है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें अंदर जाते हैं अवधारणा, परंपरा, वर्गीकरण, महत्व, विशेषताएं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार के लिए पढ़ाई कर लीजिएगा। विधाएं, लोकगीत, ये इंपॉर्टेंट है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है, वो सब भी देखना पड़ेगा। लोक नृत्य और मुहावरे, इससे आता ही आता है, ये पेपर 3 करके जो आएगा उसमें मुहावरा उतार देता है। पहेलियां, इसमें अपने अपना भाषा की पहेलियां, अलग अलग, नागपुरी का अलग रहेगा, कुड़ुख का अलग रहेगा, मुंडारी का अलग रहेगा, पहेलियां, ये पेपर 3 में आता है, और इसका महत्व आदि, इस ये हम लोग देख रहे हैं यूनिट 5 तक। इसके आगे और है 5 यूनिट, जो टोटल यूनिट्स 10 होगा, सारे को हम लोग को 1 महीना के अंदर कैसे कवर करना है उसको हम बता दे रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। 6 में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा इसकी परिभाषा, कहने को क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय, क्षेत्र की संस्कृति की परिभाषा, फिर उसका महत्व, पर्व त्योहार, इससे पर्व त्योहार से ज्यादा ही क्वेश्चन आता है, और जत्रा, मेला, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, इनको हल्का हल्का देख लेने की आवश्यकता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं, इनमें से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पर्व और त्योहार से और जत्रा से जरूर आता है। इसमें यूनिट 7 में जाएंगे तो हो जाएगा हमारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र की कलाएं, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, कला, विशेषकर कला में, संगीत की राग रागिनियां, निश्चित तौर पर इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। नृत्य की शैलियां, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन उतार देता है। वाद्य यंत्र, इसमें भी आता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, प्रस्तुति एवं प्रसारण आदि, इसमें उतना नहीं आएगा, लेकिन राग रागिनियां, नृत्य शैलियां और वाद्य यंत्र से निश्चित क्वेश्चन आता है। यूनिट 8 में जाएंगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद्य साहित्य, इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा कि कोई एग्जाम्पल दे देगा, कोई भी पुस्तक का, गाना का दे देगा, और किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। गीत और गीत्य, तो उसमें कौन सा राग है, इस तरह से। कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, ऐसे पुस्तक का नाम लिखा हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि उसमें ये खंड काव्य है या महाकाव्य है या मुक्त काव्य है, इस तरह से आपको ऑप्शनल वाला क्वेश्चन बनाएगा। गीति नाट्य, गीति एवं गीतकारों, गीत एवं गीतकारों का परिचय आदि,
तो इसमें गीतकारों का परिचय से उतना क्वेश्चन नहीं उतारेगा, लेकिन हमारा ये खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यूनिट 9 में देखेंगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में नाटक और कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आना ही है। उपन्यास और निबंध, यात्रा वृतांत का उतना नहीं है, लेकिन निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से राइटर का नाम को भी याद करना है कि नाटक किसने लिखा है, कहानी, कहानी का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसका राइटर का नाम को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सारे जितने भी कहानीकार है, नाटककार है या उपन्यासकार है, उनका नाम जानना जरूरी है। यूनिट 10 में जाएंगे, यूनिट 10 में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। इसमें महापुरुष के बारे जब भी बात हो, उनका जन्म तिथि, मरण तिथि और वो सब जिस भी संग्राम में पार्टिसिपेट किए हों, जिस संग्राम में भाग लिए हैं, उनको याद करना जरूरी है। उनका पूरा जीवनी ना पढ़े, लेकिन उनकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि और उनका ये सहभागी होने वाला जिसके लिए लोग फेमस से कहना चाहिए, तो बिरसा मुंडा किस किस संग्राम में भाग लिया, इस तरह से। तो बिरसा मुंडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखना ही पड़ेगा। वीर बुद्धू भगत है, तिलका मांझी भी है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये सब एक ही है, सब कोई भाई लोग हैं, इनके बारे में जरूर क्वेश्चन उतारता है। बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू, चांद भैरव, शेख भिखारी का भी आता है, नीलांबर पीताम्बर का, तेलंगा खड़िया का भी, एनी होरो का भी, फोटो सरदार, विनोद बिहारी, कार्तिक उराव, जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा जो भी पुस्तक लिखा है, जितना भी पुस्तक लिखा है, देख लीजिएगा कि कौन सा राइटर है, पंडित रघुनाथ मुर्मू आदि, इन सारे में हम लोग ये जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन लिखते हैं 50 क्वेश्चन, उसमें से लास्ट का जो 10 क्वेश्चन रहता है वो इनमें से ज्यादा रहता है। तो इनको आप लोग सबको पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल मुन्ना का हो या कुड़ुक का देखना पड़ेगा, नहीं, सबके सब का राइटर को लिखना पड़ेगा, हो या कुड़ुक हो या मुंडा हो या नागपुरी हो, सभी राइटर्स का पुस्तक और उनके लिखने वाले लेखक का नाम अच्छी तरह से याद करना, उसमें 10 नंबर पूरा रखा हुआ रहेगा। यूनिट 10 में यही रहेगा, ये सब हम लोग का सेकंड पेपर के लिए सारा चीज है, जिसको हम लोग डिटेल से क्लास करेंगे, जितना जल्दी हो सके JRF के लायक हम लोग पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक यू।